नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्षद। गुजरात के सीएम श्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम श्री विजय रूपाणी के अचानक अपने पद से त्याग पत्र देने से गुजरात की सियासी सरगर्मी अचानक बढ़ गई है। उन्होंने अपना इस्तीफा गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंप दिया है। इस्तीफा देने के बाद रूपाणी ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूरा किया जाएगा। राज्य में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, फिर ठीक एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपना चेहरा बदलने जा रही है। अब नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अब सभी की निगाहें सीएम रूपाणी के उत्तराधिकारी पर टिकी हुई है। इस दौड़ में चार नाम सबसे आगे चल रहे हैं। आइए जानते हैं इन चारों नामों के राजनीतिक सफर के बारे में। मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया गुजरात भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। सौराष्ट्र बेल्ट के लेवा और कड़वा दोनों समाजों में उनका वर्चस्व है। वे केंद्र मंत्री भी हैं। गुजरात में लंबे समय से पाटीदार मुख्यमंत्री की मांग की जा रही है। इसके चलते बीजेपी गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर मनसुख मांडविया के नाम पर मुहर लगा सकती है। सी आर पाटिल वर्तमान में गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में वे नवसारी सीट से चुने गए थे। वे सूरत और पूरे दक्षिण गुजरात पर हावी हैं और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत दिलाई और विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। गुजरात विधानसभा के कई विधायक भी पाटिल के समर्थक हैं। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके प्रदर्शन और पार्टी में उनके दबदबे के कारण उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि सीआर पाटिल ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। उन्होंने 2022 के चुनाव में 182 में से 182 सीटें जीतने का दावा किया है। पुरुषोत्तम रूपाला वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और सौराष्ट्र में उनका दबदबा है। सौराष्ट्र के दोनों लेवा और कड़वा समाजों में उनका दबदबा है और कई विधायक हैं जो उनका समर्थन करते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से सौराष्ट्र में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली थी। फिर सौराष्ट्र के पाटीदारों को खुश करने के लिए पुरुषोत्तम रूपाला के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। नितिन पटेल वर्तमान में गुजरात के वित्त मंत्री भी हैं। उत्तरी गुजरात में पाटीदार समुदाय में नितिन पटेल का दबदबा है और विधायकी में कई विधायक हैं जो उनका समर्थन करते हैं। उत्तरी गुजरात के पाटीदार समुदाय में नितिन पटेल की बहुत मजबूत पकड़ है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तरी गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और इसका मुख्य कारण नितिन पटेल माना जा रहा है। राज्य में एक तरफ पाटीदार मुख्यमंत्री की मांग भी की जा रही है। इसके चलते बीजेपी नितिन पटेल के नाम पर मुहर लगा सकती है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे गुजरात की सियासत गर्मा गई है। गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि गुजरात के मुख्यमंत्री की गद्दी किसे मिलती है। इसी तरह से और भी जानकारी के लिए आप देखते रहिए ओटीटी इंडिया। रग रग में हिंदुस्तान।